और अगर ये बीएसपी खत्म हो जाएगी उसके बावजूद भी हम कुछ ना करें तो हम लोग, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हम जो हमको जानकारी मिली है, जो लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में हमारे जो अधिकांश लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने भी अपने परिवार के साथ में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, और ये कह रहे हैं कि लेकिन लोकसभा के अंदर जो है समाजवादी पार्टी जो है वो जो सेंटर की वो नहीं कर रही लीडरशिप, वो उसके लिए कांग्रेस है। तो समाज ये कह रहा है कि हो सकता है हम कांग्रेस की तरफ चले जाएं। तो जिस समाज को साहब कांशीराम ने कांग्रेस से निकाला था, मुख्य रूप से एससी को और मुस्लिम को, अगर ये एससी उधर चला गया तो मुस्लिम उससे पहले पहुंच जाएगा, और एससी और मुस्लिम अगर उधर पहुंच जाता है कांग्रेस में तो ये सपा भी खत्म हो जाएगी, ये बसपा भी खत्म हो जाएगी, ये छोटे छोटे दल सारे खत्म हो जाएंगे, फिर भाजपा के सामने केवल कांग्रेस बचेगी, फिर से पॉलिटिक्स में जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश की में, फिर वो अपने वो उसकी बात भी करेगी, वो क्या मुख्यमंत्री की बात भी करेगी, उस समय आप कहाँ जाएंगे? हाँ, मेरी लड़ाई इस चीज़ की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि भाई ये साहब कांशीराम का मूवमेंट खत्म ना हो जाए। अगर ये मूव कर गया कांग्रेस की तरफ, अन्य स्टेटों में है नहीं क्या, सारा समाज कांग्रेस को वोट कास्ट करता है, अगर ये कांग्रेस की तरफ चला गया, मुस्लिम समाज इस बात की फिराक में बैठा हुआ है कि कब ये ऐसी समाज कांग्रेस की तरफ मूव करे, क्यों उसको पता है अगर ये ऐसी समाज मूव कर जाएगा मुस्लिम जुड़ने से कांग्रेस उठ जाएगी, और अब मुस्लिम ये सोचता है कि अगर मैंने अकेले कांग्रेस को वोट दे दिया तो भाजपा को हरा नहीं पाएंगे, तो वो उसको वोट देना चाहता है जो भाजपा को हरा रहा है, तो वो देख रहा है कि अगर मुस्लिम समाज कांग्रेस में मूव कर जाए, एससी समाज कांग्रेस में चला जाता है तो मुस्लिम बहुत जल्दी आएगा, वो अपनी पहली प्रायोरिटी जो है वो मुस्लिम समाज उसको देता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो गया तो फिर से साहब कांशीराम का जो सपना था, जो कांग्रेस को जो मिट्टी में मिलाने का जो काम किया था साहब कांशीराम जी ने, वो कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, नए नए नेताओं को निकाल रही है, और कांग्रेस जो है अभी उसने कहा भी है, राहुल गांधी ने कहा था, हालांकि बहन जी ने उसको काउंटर भी किया है, तो ये उनकी प्लानिंग है, और इसीलिए आप देखिए आरएसएस ने एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी निकाली है, उसका मतलब ये है अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है तो आप आम आदमी पार्टी में आ जाओ, लेकिन बीएसपी छोड़ो। चौबीस के बाद में समाज के बीच में इस बात का जद्दोजहद चलेगी, नहीं जद्दोजहद चल रही है सर, अभी से चल रही है, अभी तो मुझे लगता है कि अभी शायद 24 तक और जो है मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो चुनाव है वो बहन जी को दिए गए थे, बहन जी ने संघर्ष किया है, उनका काम रहा है, अब जो चुनाव है वो आकाश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अगर आकाश के नेतृत्व में जल ठीक से नहीं आया तो 24 के अंदर असली डिसीजन होगा कि समाज किसको तय करेगा, उसके बाद इन तीनों अब तक जो है, आगे हो सकता है कोई दूसरा आ जाए तो कह नहीं सकते, आकाश खुल के मैदान में नहीं आ रहे ना अभी भी, हो सकता है बहन जी उतार दें, हम तो चाहते हैं कि बहन जी उतारे पूरे चुनाव, उनको दें, उनको चुनाव का प्रभारी बना दें, उनको हेड बना दें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से वो तय होगा, अगर वो बूस्ट कर देते हैं मूवमेंट को, पार्टी को, तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। बहन जी के नेतृत्व में बहुत चुनाव हो चुके हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ आकाश को नेता, बहन जी बना रही हैं, अगला जो नेता जो है बहन जी तो खुद ही तो बना रही हैं, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रही हैं तो नेता बनाने तो हुआ, आपको मीटिंग सारी अटेंड करनी है, बहन जी का ये आदेश है, 403 विधानसभा में जाना है, ये बहन जी के द्वारा बनाने तो है, हम तो अपने जो नेता जो बनाया जा रहा है बहन जी द्वारा, हम तो उसके आउटपुट चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर वो मूवमेंट को पार्टी को उठा लेंगे, बूस्ट कर लेंगे, तो हम लोग तैयार हैं। तो कैसे पार्टी उठेगी, एक बयान नहीं देते वो, किसी से मिलते नहीं है, तो कैसे लोग अपनाएंगे? ये तो जो है 24 के बाद ये तय होगा, अभी समाज वो नहीं करेगा, अभी जो चुनाव जो बीच में जो होंगे उसके बाद फिर जब जो है तय होगा कि भाई कितना रिजल्ट दे पाए हैं आकाश आनंद जी, कब्जा तो मुझे लगता नहीं है, बहन जी के अपने डिसीजन से है, लेकिन जो मिश्रा ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी एक समाज का पार्ट है, हम ये नहीं कह सकते हमको, हम देखिए दिक्कत कहाँ हुई, लोगों को ये लगा कि शायद जो मिश्रा जी वो हेड बन गए हैं, इनके बिना आप कोई भी डिसीजन पार्टी में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट है, हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण को आपको आउट करना है और ना कब्जे में, ये बहन जी के हाथ में, बहन जी खुद लिखती हैं, बहन जी खुद बोलती हैं, खुद मिश्रा जी ने भी मेरे को साथियों से पता चली है कि मिश्रा जी ने खुद कहा है कि मेरे हाथ में यहाँ कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ बहन जी के हाथ में। सतीश मिश्रा साहब ने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे, कुछ फायदा मिला नहीं बीएसपी को? देखिए कैसे नहीं मिला, आप कैसे मानेंगे कि यात्रा का फायदा नहीं हुआ, मुझको लोगों ने जानकारी दी जिन जिन एरिया में मैं गया कि जिन जिन एरिया में रथ घूमा है
जिन जिन गांव में रथ पहुंचा है वहां की बूथ पे आप जाके देखो, वहां से बीएसपी जीती है। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के लोग बता रहे हैं। जिन जिन एरिया में मैं गया हूं यात्रा को लेकर के, तो उससे फ़ायदा हुआ है। मैं ये मानता हूँ ये जो 13% जो वोट मिला है, इसमें कम से कम 3 से 4% जो बीएसपी का जो पक्ष में जो हमने माहौल तैयार किया था कांशीराम विचार यात्रा से, उसकी वजह से मिला है। अगर हमारी यात्रा ना निकलती तो 3-4% वोट और कम पड़ता। ब्राह्मण सम्मेलन से कितना फायदा मिला बीएसपी को? ब्राह्मण सम्मेलन से हो सकता है 1-2% फायदा हुआ हो, 1% फायदा हुआ। देखो हवा तो उससे बनी है, हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। अगर हमारी वजह से 4% 3% वोट मिला है तो 1-2% वोट उनसे भी मिला होगा। बहन जी ट्वीट करती है लखनऊ से बैठ करके, क्या उससे पूर्ति हो पाएगी पार्टी की? देखिए जब भाई हमको मैसेज पहुंचाना है लोगों तक, जब बहन जी सोशल मीडिया पे नहीं थी तो तब लोग ये कहते थे कि बहन जी सोशल मीडिया पे नहीं है। आज अब बहन जी सोशल मीडिया पे अब आ चुकी हैं तो आप कहते हैं केवल इससे बात नहीं बनेगी। हमको समझना पड़ेगा कि बहन जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी 100 साल जिए, लेकिन उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, महंगाई चरम पर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़क पर कभी क्यों नहीं आता बीएसपी का कार्यकर्ता पदाधिकारी? नहीं अभी तो आपने देखा, हमने अभी सोशल मीडिया पर देखा है, वहाँ पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अपना धरना दिया है। बहन जी दिलवाती बोलती हैं खुद बहन जी।